नाम पढ़िया सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दरकार पड़ियो हला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके फर्स्ट हम स्टार्ट करिया कोठु अल्केन रु को स्टार्ट करिया अल्केन हम सब जान छथि अल्केन लो जनरल फार्मूला कोनो CnH2n+2 यार n इक्वल टू 1 2 3 हमें भी ऑलरेडी फर्स्ट ईयर रे पढ़ी सर छथि गोटे कार्बन थिले मीथ दिखा थिले ईथ मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हैक्स हैव टॉक नॉन दैट क्लियर तो से पहिले बर्तन देखिबा गुटिए कार्बन नै छि 1 नै छि सो CH4 ना हला मीथेन C2H6 ना हला इथेन बड़ा बड़ा CH3 सिंगल बॉन्ड C3 लिखाइ दु आबे त बुझिया कोनो इथेन होली थर्ड वन इज C3H8 दैट इज CH3 CH2 CH3 दैट इज प्रोपेन क्लियर ता पर आसी अपन पिले गोटी की C4H10 C4H10 को हम दी प्रकार लिख परिवा गोटे नॉर्मल चेन ले लिख परिवा दैट मींस स्ट्रेट चेन ले लिख परिवा आउ टाइम देखो ब्रांच चेन करके लिख परिवा यदि नॉर्मल चेन बा कोन ला स्ट्रेट चेन ले लिखा हला CH3 CH2 CH2 CH3 तर हम सेटल ताको पढिबा कोन एन ब्यूटेन बा नॉर्मल ब्यूटेन क्लियर स्मॉल एन ओके यदि आप तो ब्रांच चेन करके लिखले CH3 CH CH3 तार आई प्लेस नेमिंग की देबो एटा लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन एडाला दुई हेले वर्तन कते जो पोजीशन ले 2 मिथाइल प्रोपेन तब हमें 2 मिथाइल प्रोपेन कोई बारी आई पेसी नेमिंग रे तारो कॉमन नेम रे हम तो कोई बारे कोन आइसो ब्यूटेन कोन कहबा आइसो ब्यूटेन क्लियर आइसो ब्यूटेन केते बडा होबो ना जेते बडे ब्रांच चेन डा कोठ हेतिबो दुई नंबर कार्बन रु गोटिए ब्रांच चेन थिबो सेटा हम तो कोई बारे कोन आइसो ब्यूटेन कोई बारीबा क्लियर तापर आसी हम कोठी कुले देखो C5H12 C5H12 में देखो नॉर्मल स्ट्रेट चेन लगी छी CH3 CH2 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 CH3 तला हम कोन कहि परबा एन पेंटेन कोन कहि परबा एन पेंटेन यदि हम देखो फर्स्ट ब्रांच चेन करके लिखिबा त लिखिबा CH3 CH CH3 CH2 CH3 सेम से फार्मूला त ब्रांच चेन गुटी अछि ताला हम कहि परबा कोन आइसो पेंटेन पांचटा कार्बन अछि बाजे नाम आईपीसी नेमिंग रे कोइबा त कोइबा 2 मिथाइल ब्यूटेन लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन इज दिस सो दिस इज नोन एज 2 मिथाइल ब्यूटेन क्लियर थर्ड आउ हम कोन लिख परिया देखा इटा को CH3 C दीटा ब्रांच चेन लिख परिया सेकंड कार्बन ले जदी दीटा का ब्रांच चेन रहला ताको हम कहिबा न्यू जदी जिमिति हम पढिले कोन सेकंड कार्बन रे जदी गोटिए ब्रांच चेन रहला ताको हम कहिले आइसो जदी दीटा ब्रांच चेन रहइबो ताको हम कहिया कोन नियो देखो बोले नियो लिखा हिची नियो कार्बन केतरा जी पाचटा आजी सो नियो पेंटेन आईपीसी नेमिंग करले कोन करिबा इटा हम लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन सो नेमिंग कोन हबो 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन क्लियर नेक्स्ट टाइम आसी गोडी पिले C6H14 नाम कोन देखिया देखो पिले CH3 CH2 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 CH3 हमें नॉर्मल चेन करके लिखी छे सो नॉर्मल चेन लिखले एथिर स्ट्रक्चर टा कोन होबो एन हेक्सेन कोन होबो एन हेक्सेन यदि हमें फर्स्ट गोटिए ब्रांच चेन लिखिबा दुई नंबर कार्बन ले गोटिए ब्रांच चेन करिबा आउरी हेई परबो तीन नंबर ब्रांच चेन हेई परबो तीन नंबर ब्रांच चेन ला नॉर्मल लिखि होबो जतरे हमें किछ आईपीएस नेमिंग रेखन चय दो तार कोनोसी कॉमन नेम नाही किंतु हमें यदि दुई नंबर रे गोटिए ब्रांच चेन करू छे ताको हमें कहि परबा आइसो हेक्सेन क्लियर तो बर्तन हम जे लिखिबा कोन तारो आईपीएस नेमिंग लिखिबा त लिखिबा 2 मिथाइल पेंटेन क्लियर तबरे आसो देखिबा सेकंड कार्बन में दीटा दी ब्रांच चेन लिख दउ छे त हम कोन कहिबा नियो हेक्सेन बा तारो आईपीएस नेमिंग टा लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन एटा हाले त आईपीएस नेमिंग टा कोन 2-2 डाइमिथाइल ब्यूटेन क्लियर नाउ वी स्टडी अबाउट द सम इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अल्किन क्लियर वी नो द जनरल फार्मूला ऑफ अल्किन इज CnH2n क्लियर CnH2n वेयर n इक्वल टू 2 3 4 5 6 क्लियर सो फर्स्ट व्हेन n इक्वल टू 2 सो दिस इज C2H4 सो नॉर्मल स्ट्रक्चर इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 ताले आईपीएस नेमिंग देखिबा त कोइ इथिन बा इथ 2EN कोइ बेरिया क्लियर तो कॉमन नेम रे हम दा कोइबा एथिलीन क्लियर सेकंड C3H6 C3H6 स्ट्रक्चर हला CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ना पढले हम कोन बेरिया प्रोपीन और प्रोपिलीन और कोइ बेरिया हम कोन प्रोप 1EN कोइ बेरिया एटा कोइ बेरिया इथ 1EN सो C4H8 देला n इक्वल टू 4 ला C4H8 द स्ट्रक्चर हम दे बेरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3
तब हम कह परे कोन नॉर्मल ब्यूटीन एन ब्यूटीन एन ब्यूटीन मींस नॉर्मल ब्यूटीन माने तो जानि किबे जे डबल वन को पोजीशन ले अछि एक नंबर पोजीशन ले अछि तो आईपीसी रे मिरा हम लिख परबा ब्यूट 1 एनी क्लियर सेकंड रे अछि स्ट्रक्चर लिखबा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 तो हम कह परबा ब्यूट 2 एनी क्लियर नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हम देखो एक नंबर पोजीशन में गोटे साइड चेन अछि ना नहीं अब एक नंबर पोजीशन में साइड चेन अछि ना हम कोन कोन थी आइसो लगा दिन से पहले भाई देखो आइसो ब्यूटीन बस स्ट्रक्चर इज आईपीसी में मेरे लिखिबा हम कह परबा 2 मिथाइल प्रोप 1 एनी लॉगेट कंटीन्यूअस कार्बन चेन इज दिस सो साइड चेन इज प्रेजेंट एज 2 पोजीशन सो 2 मिथाइल प्रोप 1 एनी नेक्स्ट हम आछो C5H10 को C5H10 लो नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लिखिबा त नंबर 1 रहबो एक नंबर पोजीशन ले सो नॉर्मल स्ट्रक्चर इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 तो स्ट्रक्चर इज एन पेंटेन बस स्ट्रक्चर हम लिख परबा पेंट 1 एनी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सो हम कह परबा पेंट 2 एनी पेंट 2 एनी सो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 आले हम कह परबा आइसो पेंटेन कोन कह परबा आइसो पेंटीन बस स्ट्रक्चर डाला आईपीसी नेम लिखिबा 2 मिथाइल ब्यूट 1 एनी ए माने नॉर्मल स्ट्रक्चर थिला एथिरे नियो पॉसिबल नो का नियो हेले एक नंबर दुई नंबर दीटा लागे दरकार दीटा लागले कार्बन आइजो केतरा बॉन्ड चारटा बॉन्ड जागा रे पाचटा बॉन्ड आइजो सेति पई सेति यार नियो पॉसिबल नो हो क्लियर सो एटा थिला कोन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लो नेमिंग आमे सम एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक जो माने डबल बॉन्ड कंटेन करथिबे एरोमेटिक एरोमेटिक मींस हम जानि जोंदी कोन थिबो बेंजीन रिंग थिबो हम तार किछि एग्जांपल देखिबा एरोमेटिक रे देखिबा सो फर्स्ट देखो बिना हम एरोमेटिक रे समझते जान चोंदी बेंजीन थिबो तो देखो बेंजीन टा हम एमिथि लिख परिबा अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिख परिबा तो नले एमिथि लिख परिबा ए पोजीशन रे डबल बॉन्ड और बेंजीन भीतर सर्कल दे दे परिबा बा त सिंपली जे हम लिखिबा कोन देखिबा C6H6 दिस इज बेंजीन क्लियर तमे भी चाहिबो बेंजीन लो गोटा हाइड्रोजन को माइनस कर देले त C6H6 गले रहबो C6H5 C6H5 भी हम कहि परिया कोन फिनाइल कहि परिया देखो बेले C6H5 सिंगल बॉन्ड त हम फिनाइल कहि परिया बेंजीन ऊपर ओनली खाली सिंगल बॉन्ड थिला हम कहि परिया कोन फिनाइल भी कहि परिया क्लियर तापर आसे देखि हमले बेंजीन ऊपर CH3 दिबो त हम टोलुइन कहि दिले और C6H5 CH3 भी कहि के त टोलुइन कहि परु थिला हाइड्रोजन को रिप्लेस करि के हम बसो थिले कोन CH3 बसो थिले त हम टोलुइन कहि परिबा बा कहि परिबा मिथाइल बेंजीन ओके नेक्स्ट बेंजीन रूपे जदे हम रखले गो हाइड्रोजन रिप्लेस करिक गो C2H5 लगे दवा तले हम त कहया कोन इथाइल बेंजीन को कह परिया इथाइल बेंजीन जदे हम को करिया टोलुइन रु गोटे हाइड्रोजन माइनस कर दवा कहथिरु CH3 रु हाइड्रोजन माइनस कर दवा तने हेटा हिजो बेंजाइल कोन हबो बेंजाइल आउ बहुत सारा अछि हम यहां पर डिस्कशन तक करिवा हला सो ए माने हो जदे कोन डबल बॉन्ड कंटेन करथिबा एरोमेटिक्स क्लियर तब राशि हम गुड़ी बिले अल्काइन की अल्काइन में जनरल फॉर्मूला है कौन CnH2n माइनस टू फॉर एन इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके फाइव जब हम एन इक्वल टू टू नवा तब हम सी टू एच टू स्ट्रक्चर टाइम हम कितने लिख पाएगा सी एच डॉप ट्रिपल बॉन्ड सी एच ना तो रही पाएगा इथाइन और हम तो कोई पाएगा इट वन वाई एन ई आई पी सी ए ओके और तार कॉमन नेम होची एसिटिलीन कॉमन नेम होची एसिटिलीन जदि हमें एन इक्वल टू थ्री नवा तर फॉर्मूला आसो सी थ्री एच फोर ता स्ट्रक्चर टा हो केते सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री तब हमें नॉर्मल कह परबा प्रोपाइल और प्रोप वन वाई एन हो तर कोन आईपीसी नेमिंग क्लियर तब रे आसो सी फोर एच सिक्स सी फोर एच सिक्स रे देखियो कोन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री जदि एक नंबर पोजीशन ने हम रखिलो कोन ट्रिपल बॉन्ड को ता नाम कह परबा ब्यूट 1 एनी जदि हम दुई नंबर पोजीशन ने आसीबा तब हम लिखियो कोन ब्यूट 2YNE रे डिस्कशन करिवा अल्काइल जार जनरल फार्मूला हो कोन सिंगल बॉन्ड CnH2n प्लस 1 दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन अल्केन रे जनरल फार्मूला दिला CnH2n प्लस 2 तादर गोटे हाइड्रोजन माइनस कर देले गोटे सिंगल बॉन्ड रहइबो जोटा के हो कते CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड CnH2n प्लस 1 वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 एटसेट्रा क्लियर व्हेन n इक्वल टू 1 देन द फार्मूला इज सिंगल बॉन्ड CH3 व्हिच नेम इज मीथेन सॉरी मिथाइल व्हिच नेम इज मिथाइल सिंगल बॉन्ड C2H5 सो स्ट्रक्चर इज माय सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 दैट इज इथाइल
When n equal to 3, so single bond CH3H7 or CH single bond CH2CH2CH2 will be a structure time the normal like very well. Set my normal in a high set my n profile equal G. But I am like the very CH3 single bond CH single bond CH3. The bank of very well. Isopropyl. Okay, very well. Isopropyl. It is a regular is n equal to L of 4, then single bond C4H9. Structure of agono CH2 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 CH3, so that is n butyl or the gum gonna deliver CH3 single bond CH single bond CH3 single bond CH2 single bond the two number push on the branch and like G, so that we have isobutyl clear. So single bond C5H11 the gum gonna deliver single bond CH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH3 now the gum gonna n pentyl konga veriva n pentyl tago jodi normally first ka second carbon la branch kole tanta iso koi veriva dekho CH3 CH single bond CH3 single bond CH2 single bond CH2 so this is known as isopentyl jodi ame second carbon la dita branch en lagale tale hobo neo tale hala CH3 single bond C single bond CH3 single bond CH3 single bond CH2 single bond that is neopentyl पहले एको मॉडल के पाई बेटर हो बट ठीक है अल्केन डे बहुत से देखी था वो अल्केन लोग जेमी जेमी नेमिंग करती ले अल्काइल ले सेमिटी नेमिंग है इची क्लियर वे डिस्कशन करिया पहले अल्काइल हालाइड का जनरल फॉर्मूला हो ची आर एक्स हो यार आर इक्वल टू अल्काइल ग्रुप एक्स इक्वल टू हालोजेंस हालोजेंस मीन्स क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन मु बिले एथिरे कोन करछि केवल क्लोरीन ला नेमिंग कर देछि तमे छै यार जे क्लोरीन रहितो ता फ्लोराइड कहबो ब्रोमीन रहितले ब्रोमाइड कहबो आयोडीन रहितले आयोडाइड कहबो क्लियर सो वर्तमान देखो बिले फर्स्ट यदि n इक्वल टू 1 हला हम लिख परिबा मिथाइल क्लोराइड n इक्वल टू 2 हला हम लिख परिबा इथाइल क्लोराइड n इक्वल टू 3 हला हम लिख परिबा प्रोपाइल क्लोराइड देखो बिले मिथाइल क्लोराइड रो गोटी स्ट्रक्चर CH3Cl C2H5 इथाइल क्लोराइड C3H7 को हमें दी प्रकार लिख परिबा किमे लिख परिया देखो बिले CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सो दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड देखो एटी अछि कोन CH3 CH CH3 हला सो वर्तमान कोन हिची नाइटा काम कहि परबा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कोन कहि परबा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यदि n इक्वल टू 4 हला C4H9Cl तर हम एडा लिख परिया कोन CH3 CH2 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 Cl ताको हम कहि परिया कोन ब्यूटाइल क्लोराइड वर्तमान फर्स्ट चेन ला ब्रांच कर देली तर CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl तर फर्स्ट ब्रांच जे तो ब्रांच फर्स्ट कार्बन जे ना सेकंड कार्बन जे तो ब्रांच है छी त हम कह परबा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड को कह परबा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड सेवा C5H11 Cl को हम कह परबा CH3 CH2 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 Cl नॉर्मल त हम कह परबा पेंटाइल क्लोराइड सेकंड कार्बन ला में गोटे ब्रांच चेन रखिले त हम कह परबा आइसोपेंटाइल क्लोराइड सेवा एठे हम कह परबा नियोपेंटाइल क्लोराइड बुझियलन कारण सेकंड कार्बन ले दीटा ब्रांच एतिरु त हम कोन कहबा नियोपेंटाइल क्लोराइड पिला ना अल्कोहल लो स्ट्रक्चर डिटेल करिबा नेमिंग करिबा सो अल्कोहल लो जनरल फार्मूला आसीबो ROH R फॉर अल्काइल ग्रुप OH फॉर हाइड्रोक्सी और अल्कोहल क्लियर सो वर्तमान देखिया CH3OH त ना कोन कहबा मिथाइल अल्कोहल और मिथानॉल C2H5OH को हम कह परबा इथाइल अल्कोहल और इथानॉल C3H7OH को हम कह परबा प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपानॉल क्लियर एटा को जदा हम लिख दे परबा दुई नंबर क्वेश्चन ने OH को रखि दवा ता नाम एटा कह परबा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेन 2OL C4H9OH रो कथा डिस्कशन जदि करबा CH3 CH2 CH2 CH2OH और ता कह परबा ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्यूटानॉल कंजेट फंक्शनल ग्रुप जे पोजीशन न लेखला जे एक नंबर पोजीशन ले अछि क्लियर तापर हम देखबा कोन जदि हम दुई नंबर पोजीशन ले ब्रांच चेन लखि ओएच को लेखु जे त कहबे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओएल हला सो C5H11 ओएच को हम कोन कहबे CH3 CH2 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 CH2OH और पेंटाइल अल्कोहल और पेंटेन 1 ओएल जदि हम गोटे ब्रांच चेन लखिले दुई नंबर रे त लिख परबा CH3 CH CH3 CH2 CH2OH त कह परबा आइसोपेंटाइल अल्कोहल और 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओएल 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओएल CH3 CH3 CH2OH हम त कोन कह परबा नियोपेंटाइल अल्कोहल और 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओएल
क्लियर यार भी हमर क्लासिफिकेशन अछि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आमे को डिटेल पढिया बोडी ना जतले इंडिविजुअल आमे अल्कोहल ल विषय रे पढिया अल्कोहल ल आउ किछि एरोमेटिक अल्कोहल पढिया अल्कोहल ल फाड देखो C6 ये जो उडा पढि लिया पर जा पढथिले से उडा थिला कोन एलिफेटिक अल्कोहल एटा होछि एरोमेटिक अल्कोहल एरोमेटिक अल्कोहल देखो बेंजीन लिंग अछि बेंजीन लिंग उपरे कोन बसछि OH ग्रुप लागिछि सो दिस इज नोन एज फिनोल दिस इज नोन एज फिनोल इफ यू कंसीडर बेंजीन विद CH2 एंड OH C6H5 CH2OH एंड दिस इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल ओनली फिनोल कनेक्ट ओनली बेंजीन कनेक्टेड विद OH दिस इज नोन एज फिनोल इफ बेंजीन कनेक्टेड विद CH2OH देन इट इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल दिस इज फिनोल दिस इज बेंजाइल अल्कोहल देन सेवेंथ टर्म इज इथर इथर जनरल फार्मूला ROR टू अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड विद ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मझे रही थी दिटा साइड रखिए अल्काइल ग्रुप थी कहे कौन इथर कह तो CH3OCH3 डाइमिथाइल इथर जेहेतु दिटा मिथाइल लगी डाइमिथाइल इथर क्लियर जब आईपीएससी नेमिंग देखा आईपीएससी नेमिंग जानते कौन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन चूज करवा सो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज दिस आइदर एटा नै परिया नै एटा नै परिया सो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन रे ऑक्सीजन को हमें नै परिया कंसीडर कर परिया नै तो CH3 डा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सो OCH3 कनेक्टेड कंबाइन टू फॉर्म मिथॉक्सी सो दिस इज नोन एज मिथॉक्सी बेंजीन सर मेथो मिथॉक्सी मीथेन मिथॉक्सी मीथेन गोटे कार्बन अछि एठी से बड़ा अछि देखो कोन लिख परिया मिथाइल अछि इथाइल अछि तब हम अल्फाबेटिकली लिखिबा लिखिबा इथाइल मिथाइल इथर तो आईपीएससी नेम करे लिखबा लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन जेन हो एटा एटा लागि छि मिथॉक्सी सो मिथॉक्सी इथेन क्लियर सो एटा कोन हो देखो बिले CH3 CH2O अछि तब हम कहि परिबा दिस इज इथाइल आल्सो दिस इज इथाइल सो डाइथाइल इथर और लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन जेन आइदर एटा बनि परिबा न एटा भी हम कंसीडर कर परिबा सो एटा नेमिंग कोन हो इथॉक्सी इथेन इथॉक्सी इथेन एठी देखो पिले फिनाइल ग्रुप दी साइड लागी छी तब हम कोन कह परबा डाई फिनाइल इथर कोन कह परबा डाई फिनाइल इथर और कोन कह परबा फिनोक्सी बेंजीन एटा जे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन जन होय एटा जो फिनोक्सी सो एटा हम कह परबा फिनोक्सी बेंजीन क्लियर एठी के सब ले C6H5OCH3 तब हम कोन कह परबा फिनाइल मिथाइल अछि तब अल्फाबेटिकल लिख ले मिथाइल फिनाइल इथर और जदे आईपीएस रे लखिबा इडा जो मिथॉक्सी कोइ परबा मिथॉक्सी बेंजीन कोन कह परबा मिथॉक्सी बेंजीन भाई यार गो कॉमन नेम अछि जोटा के हम पढी भाई यार अछि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पाकरे ताको आज कोन एनिसॉल क्लियर दिस इज अबाउट इथर एबे डिस्कशन करबा नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड रो जनरल फार्मूला ला CnH2NO वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एटसेट्रा क्लियर If n equal to 1, then the formula is CH2O. हमें CH2O टा बोल दे परिवा H C double bond O single bond H और लिख परिवा H C H O. हमें normally aldehyde कौन लेकर दी R C H O लेकर दी कौन लेकर दी R C H O. So H C H O. ना तब हम कौन पढ़ी परिवा एकु formaldehyde पढ़ी परिवा और methanol dehyde पढ़ी परिवा और methanol पढ़ी परिवा. Clear? चलो जब n equal to 2 है ला हम C2H4O तार स्ट्रक्चर लिख ला हम कोन लिख परबा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H और CH3CHO तक पर ला हम कोन पढिबा एसिटाल्डिहाइड पढिबा नने इथानाल्डिहाइड पढिबा नने इथानाल पढिबा क्लियर छोड़ यदि n इक्वल टू 3 हला हम C3H6O तक लिख परबा CH3CH2COH पर ला पढिबा प्रोपानाल्डिहाइड और प्रोपानाल एरोमेटिक रे गोटे पढिबा C6H5CHO और C6H5CHO पढिबा ताको हम पढिया कोन बेंजाल्डिहाइड क्लियर यदि थिला एल्डिहाइड रो तार हम कीटोन देखिबा जनरल फार्मूला होची CnH2NO एल्डिहाइड रो जहा जनरल फार्मूला कीटोन लो जनरल फार्मूला से या डिफरेंस होची एल्डिहाइड रो n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 बट कीटोन लो n स्टार्ट्स फ्रॉम 3 4 5 क्लियर सो इफ n इक्वल टू 3 तो फार्मूला इज CH3COCH3 स्ट्रक्चर आसी एर फार्मूला कोन आसी ओथले आसीबा C3H6O हला तो एटा लिखले हम लिखिया कोन CH3COCH3 और CH3COCH3
सो पढ़ला रे तो पढ़िया कोन जेटा आईपीसी रे मिले पढ़िबा लॉन्ग एंड कंटीन्यूअस कार्बन चेन प्रोपेन तीनटा कार्बन अछि दुई नंबर क्वेश्चन ले कीटोन अछि सेत पे पढ़िया प्रोपेन 2ONe और प्रोपानोन भी को आ जाए और यार कॉमन नेम को आउछि एसीटोन को आउछि और आउ गुडे भी कहि करछि जेहेतु दी पटे तीनटा मिथाइल अछि त हम के परबा डाइमिथाइल कीटोन जेबि इथर नेमिंग करथले से वाला नेमिंग भी कर परबा डाइमिथाइल कीटोन सो एटी से वाला देखबिले CH3 जे देला C4H8O हला ताले कोन होबो CH3COCH2CH3 और CH3COCH2CH3 लिख परिबा तो देखला कोन लिखबा ब्यूटेन 2ONe और ब्यूटानोन और इथाइल मिथाइल कीटोन इथाइल मिथाइल कीटोन सो एठी देख परिबा उडे एरोमेटिक रो CCCH5COCH3 को हम लिख परिबा एसिटोफिनोन और मिथाइल फिनाइल कीटोन क्लियर सो एल्डिहाइड कीटोन रो जनरल फार्मूला एथि के हमें मिनिमम इंपोर्टेंट मन को मन रखे पड़ियो एबले बढ़िया कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट हम देखिवा कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH HCOOH ता कॉमन नेम होची फॉर्मिक एसिड तारो आईपीसी नेमिंग होची मिथानोइक एसिड क्लियर सेकंड हम आसीवा एसिटिक एसिड CH3COOH हला CH3COOH ता पय परे हम कोन एसिटिक एसिड और इथानोइक एसिड से भेला प्रोपानोइक एसिड CH3CH2COOH प्रोपानोइक एसिड क्लियर सो वर्तन देखिबा इवन नै कि को हम फॉर्मेशन कोन करिया तारो सॉल्ट फॉर्मेशन करिया ओके सोडियम रे करछि सेटा सोडियम जानि पोटासियम थियो सेटा त सोडियम घटै कोन लिख परियो पोटासियम लिख परियो देखो हम लिखि CH3COOH देखो हम कोन करिया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड कहि परिबा बा सोडियम इथानोइड चारटा कहि परिबा सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड और सोडियम इथानोइड सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम फॉर्मेट चला जे पोटेशियम थांदा एतना पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और पोटेशियम फॉर्मेट पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड और पोटेशियम इथानोइड फॉर्मिक एसिड सेवा देखिबा फॉर्मिक एसिड जे सोडियम सेवा लगिया सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथानोइक एसिड और सोडियम मिथानोइड क्लियर सॉरी मिथानोइड हां सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथानोइक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड ठीक है पिले सोडियम रो वैलेंसी 1 बोली सिना हम लिखले HCONa एच को रिप्लेस करके यदि हम सेट कैल्शियम रोवा कैल्शियम वैलेंसी 2 तो सेटा हम कोन करिवा एटी HCO ओटी रहउतला कारण सोडियम वैलेंसी ओटी है जेतु कैल्शियम वैलेंसी 2 सेति भाई HCO केतरा रहइबो दिटा रहइबो सोडियम वैलेंसी 1 पई CH3CO गोटे रहउतला किंतु जे कैल्शियम वैलेंसी 2 तरे CH3CO दिटा रहइबो तर वर्तमान हम लिखले कोन लिखि बेरबा HCO रो होल टू CA कारण हमें तो लिखु जंदी NaCl लिखु जंदी ना कारण सोडियम वैलेंसी 1 क्लोरीन वैलेंसी 1 सेति भाई NaCl लिखु जंदी तो कैल्शियम क्लोराइड लिखु जंदी लिखु जंदी कोन CaCl2 एटा 2 टाइम हे जाउ जे नाही से भले एटी HCO रो होल 2 हे जइबो तो एटा हे जइबो हम कोन कैल्शियम फॉर्मेट स्ट्रक्चर लिखला हम लिखि बेरबा H सिंगल बॉन्ड COO CA HCOO क्लियर एटा कैल्शियम फॉर्मेट सो CH3CO रो होल 2 रे हमरा को बेरा कोन कैल्शियम एसीटेट बा त हम एटा को बेरबो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड बा कैल्शियम इथानोइड एटा से बेरा को बेरबो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ मिथानोइक एसिड बा कैल्शियम मिथानोइड ओके सो हम एरोमेटिक के आसीबा एरोमेटिक रे C6H5COH को हम को बेरा कोन बेंजोइक एसिड को बेरबा जदि हेतरा हमें सोडियम लेले तरा हम बेरा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बा सोडियम बेंजोएट जदि हम हेती सोडियम जगह पोटेशियम ले थांते होइ थांते पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और पोटेशियम बेंजोएट परत कैल्शियम ले माने कोन करिया प्ले डिटेल हो बडियो एठी जेमि दिनै थिले तो C6H5CO रो होल 2 CA तको हम बेरा कोन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बा कैल्शियम बेंजोएट कैल्शियम बेंजोएट C6H5COO CA C6H5COO ओके एबले डिस्कशन करिवा इस्टर रो नेमिंग क्लियर देखो HCOCH3 ले जेडी CH3 बदलो H था दादाना बेटा कोइदा ने कोनो मिथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड से दे बोल लागै छी कोनो CH3 ग्रुप लागै छी इस्टर रो त हम जानि जंदी सो इस्टर रो नेमिंग कोन करिया फर्स्ट एटा नेमिंग करा जे जो अल्केन ग्रुप था एडी की अछि मिथाइल अछि तो से पे हम कहि परबा मिथाइल मिथानोएट और मिथाइल फॉर्मेट ओके देन CH3COCH3 रेडिया स्थान ता एसिटिक एसिड कोइ थांदे बा इथानोइक एसिड कोइ थांदे तो एठी हम कोन कहिबा मिथाइल इथानोएट और मिथाइल एसीटेट ओके नेक्स्ट CH3COC2H5
एटा हम कह रहे एस3 एसिटिक एसिड सो इट इज एक इथाइल ग्रुप अछि हम कह बाटी कोन इथाइल इथानोएट और इथाइल एसीटेट ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले दिस एंड दिस CH3COOCH6H5 एठी आगे जे एडी जे दिबो त आगे नेमिंग करबा कि अछि फिनाइल अछि सो फिनाइल एसीटेट वोल्टेज ओ C6H5 डेटी ने से ठीक से इतने से एठी जे दिबो छि आबो देखो एडी पिले CH3 अछि त एडी एस था त हम बेंजोइक एसिड कोइ था दे जे दिस CH3 अछि हम फाट लेके हम इथाइल CCH5COH5 में बेंजोइक एसिड लिखा था लिखो एडी कोनो बेंजोएट सो मिथाइल बेंजोएट दिस आर द सम इंपोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इस्टर तापर इस्टर डेरिवेटिव देखिबा इस्टर डेरिवेटिव अछि चारिटा उठ अछि एसिड क्लोराइड उठ एसिड अमाइड गोटे अछि एसिड रो चारिटा डेरिवेटिव उठ अछि इस्टर उठ एसिड क्लोराइड उठ एसिड अमाइड आउट अछि एसिड अनहाइड्राइड या पर नेमिंग करबिया सो एसिड क्लोराइड के अछि बा CA3COCl बा CA3COCl एंति लिखाइ दिबो ताको हम कोन करबिया इथानोइल क्लोराइड विल क्लोराइड हम एडे पढ़ी थी नेमिंग कला बेले एटा कोन दी दीटा कार्बन जेहेतु अछि ता कोन दी इथानोइल क्लोराइड और यार कॉमन नेम हैला एसिटाइल क्लोराइड ओके तो एठी देखबा CA3C2COCl ता कोन कोन कहबेरबा प्रोपानोइल क्लोराइड प्रोपान तीनटा कार्बन अछि प्रोपानोइल क्लोराइड से बढ़िया एबे आसीबा कोडी बिले C6H5COCl एटा कहबा बेंजोइल क्लोराइड कोन कहबा बेंजोइल क्लोराइड तापर आसी हम कोडी बिले एसिड अमाइड की एसिड अमाइड दो दिटा एग्जांपल पढिबा गोटे अछि देखा CA3CONH2 ताको हम कहबा एसिड अमाइड यदि C6H5CONH2 दिबो ताको हम कहबा कोन बेंजामाइड आउरी बहुत अछि कि हम कर एही दिटा यूजफुल होबो हम केमिस्ट्री पढिया पे ओके एबे देखिया बिले एसिड अनहाइड्राइड कोन ना गोटे एसिड रो अनहाइड्राइड मींस दुईटा एसिड कंबाइन है कि गोटे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं दैट मींस हम कंसीडर करछि पहिले सपोज फॉर्मिक एसिड की कंसीडर करली दुईटा मॉलिक्यूल ल हम फॉर्मिक एसिड नेली एटा गोटे फॉर्मिक एसिड आ गोटे फॉर्मिक एसिड नेली HO COH को यार जस्ट रिवर्स करके लिख देली कोन करबी ना हीट करके गोटे वाटर रिमूव कर देली बाहरी वाला वाटर एटा वाटर बाहरी वाला रहिला जहां लिख दियो H C डबल बॉन्ड O O C O H एटा कोड वारला फॉर्मिक एसिड वारला दिस इज नोन एज अनहाइड्राइड ऑफ फॉर्मिक एसिड दिस इज नोन एज फॉर्मिक अनहाइड्राइड देखो बोले लिखी छी फॉर्मिक अनहाइड्राइड सो एसिटिक एसिड नै दिले त बरदा एसिटिक अनहाइड्राइड बेंजोइक एसिड नै थांती बरदा बेंजोइक अनहाइड्राइड बुझियला बुझियला फॉर्मिक एसिड जोडा बारियो फॉर्मिक अनहाइड्राइड एसिटिक एसिड जोडा बारियो एसिटिक अनहाइड्राइड बेंजोइक एसिड रु बेंजोइक अनहाइड्राइड ओके नेक्स्ट आसीबा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रो नॉर्मल फार्मूला जनरल फार्मूला होची RMGX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जदी हमें हैलोजन जार क्लोराइड क्लोरीन नवा तने क्लोराइड कहबा जदी ब्रोमीन नवा ब्रोमाइड कहबा जदी फ्लोरीन नवा फ्लोराइड कहबा आयोडीन ने आयोडाइड कॉमनली नॉर्मली यूज करा जाए काहा को ब्रोमीन की यूज करा जाए ओके सो देखो मिले मिले CH3MgBr ना तरला मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5MgBr is known as ethyl magnesium bromide. C6H5MgBr, so this is known as phenyl magnesium bromide. Okay. Next one is alkyl cyanide. Alkyl cyanide means alkyl group attached with a cyano group. Cyano means CN. हमें तक cyano group की nitrile कौन थी? So RCN. CH3CN हमें तक कोई परिवार methyl cyanide. यदि हमें IPC नेमिंग दे CN को नवा कौन भावे फंक्शनल ग्रुप भावे नवा तरह कंसीडर आजे कार्बन सो दीटा कार्बन अच्छी आमे इधर तो कुल क्या करूँगा इथेन नाइट्राइल दीटा कार्बन पे इथेन सीएन ग्रुप पे नवेले कौन नाइट्राइल सो बस CH3CH2CN तो कौन के बेरे इथाइल सीएनाइड और जब आईपीसी ने मिले भाई बात तीन कार्बन अच्छी प्रोपेन नाइट्राइल ओके सो सिमिलरली इन एरोमेटिक C6H5CN इज नोन एज सियानोबेंजीन और फिनाइल सियानाइड और बेंजो नाइट्राइल